हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑनगोइंग चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10 ज्योग्राफी. नाउ इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस व्हाट अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वी हैव ऑल्सो द डिस्कस द कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल. नाउ टुडेज टॉपिक इज शुगर इंडस्ट्री. सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट. अब देखिए बेटा, शुगर के बात करेंगे आप तो इंडिया का जो नंबर है बेटा वो सेकंड है. किसमें? प्रोड्यूसर्स ऑफ द शुगर. जो शुगर बनाते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे, यू नो, शुगर केन से यहाँ पे शुगर बनाई जाएगी, इंडस्ट्रीज यूज़ हो जाएगी सेकंड. और एग्रीकल्चर बेस अगर आप बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर में, तो वहाँ शुगर केन, और फिर जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर केन से शक्कर बनाएंगे वो आपका इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाएगा. ठीक है. सो शुगर केन एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जगसारी एंड द खांडसारी इन द वर्ड्स. खांडसारी ये दोनों ही चीज़ें, यू नो, गन्ने से बनेगी ये, तो इनके अंदर वर्ल्ड में विश्व में दूसरे नंबर पे है इंडिया का रैंक. सो शुगर हैज़ टू बी द ट्रांसपोर्टेड टू द इंडस्ट्रीज विद इन द 24 आवर फॉर इट्स द हार्वेस्टिंग, हैंस इज द इंडस्ट्री इज द सीजनल. अब देखिए, जैसे ही गन्ने की कटाई होती है एग्रीकल्चर फार्म से, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं या जहाँ पे शुगर बनाने का काम किया जाता है वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ से कि, यू नो, जो शुगर केन का एग्रीकल्चर होता है वो उनके पास हो. ठीक है. तो विद इन 24 आवर्स हार्वेस्टिंग के बाद इनको वहाँ पे इंडस्ट्री में सेंड कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पे, तो इसीलिए द इंडस्ट्री इज़ द सीजनल. ये एक ऋतु पर डिपेंड करती है, जहाँ पे, यू नो, जिस वेदर में, जिस क्लाइमेट में शुगर केन अच्छा होगा वहाँ पे शुगर केन का, यू नो, इंडस्ट्री भी काम अच्छा करेगी. नाउ सेकेंड इज, नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज द मिनरल एंड द ओर्स एज द रॉ मटेरियल्स टू द एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकल वैल्यूएबल मेटल्स फॉर देम. सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर. अब देखिए, मिनरल्स पे, ठीक है, खनिज पे जो आधारित उद्योग होंगे जहाँ पे बिल्कुल आप मिनरल्स को यूज़ करके किसी मेटल्स को, धातु को बना सकते हैं. सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री. ठीक है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेस्ड ऑन मिनरल इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो यहाँ पे मिनरल का यूज़ किएंगे हम. सो डेट इज़ द दिस इंडस्ट्री कैन बी द कॉल्ड द मदर इंडस्ट्री ऑफ द नेशन एज ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स. अब देखिए, जो आयरन एंड स्टील कंपनी, अगर आप देखेंगे किसी भी फील्ड में, अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो जो इक्विपमेंट होंगे वो आपको लोहे का नीड होगा. सो जो भी आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोहे का, या जो इस इंडस्ट्री से स्टील एंड लोहे से जो भी हम चीज़ बनाते हैं, चाहे वो मशीन की शेप में हो या किसी इक्विपमेंट का हो, कोई औजार हो, ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रीज जो वर्क करेगा उसका बैकबोन यही है. एक मदर इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं कि एक सबकी माँ है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक मदर इंडस्ट्री है ये. और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो भी डिज़ाइन बनेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सब आधारभूत जो संरचना उसका जो मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस देयर विल बी द डिसाइड बाय द आयरन एंड स्टील कंपनी. सो द प्रोडक्शन एंड द कंसप्शन ऑफ द स्टील्स आर ऑफन रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ ऑल द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ. देखिए, किसी कंट्री के अंदर स्टील का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना उसका, यू नो, डेवलपमेंट हो रहा है, कंसप्शन कितना हो रहा है उसका, कितना लोग यूज़ कर रहे हैं, और कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, यही जो टैली होता है, जो इंडेक्स होता है कंसप्शन का और प्रोडक्शन का, इसी को आप ऐसे किसी कंट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ को, इसी के बेस पे आप उसका आइडिया लगा सकते हैं. बिकॉज यू नो कि इसमें जितना ज़्यादा आप उसका कंज्यूम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इनडायरेक्टली आप उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड स्टील. अब देखिए, जो कच्चा स्टील होता है, ठीक है, उसमें इंडिया का रैंक है सेकेंड. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन द मार्केट स्टील थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल. ठीक है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, इसके अंदर में सारे स्टील का वर्क होता है. एंड द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार. रीजन हैज़ टू हाई द कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री थैंक्स टू द रिच डिपॉजिट ऑफ द आयरन और इन द रीजन्स. अब देखिए, वर्ल्ड में अगर आप बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोहा या, यू नो, आयरन और निकलता है वो जर्मनी में निकलता है, रूर एरिया है वहाँ का. और इसी टाइप में अगर आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला जो बेल्ट है इंडिया का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यू नो, रॉ मटेरियल्स के रूप में स्टील्स को, आयरन को हम निकालते हैं. नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री इज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज. सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल एक्चुअल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. देखिए, पहली आयरन इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो एल्युमिनियम आता है. बिकॉज यू नो हम एल्युमिनियम एज ए मेटल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर हमारे डेली यूजेस में जितने भी हम, यू नो, यूज़ करते हैं, तो उनमें भी हम एल्युमिनियम को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं. सो एल्युमिनियम इज़ द लाइट वेट
मेटल, अब एक तो देखिए कंपेयर टू द आयरन एल्युमिनियम में जो वेट होगा वो कम होगा, आप इजीली उसको कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाई डिस्टेंसेस ऑफ द कॉरिजन्स मेक्स टू द एक्सट्रीम यूजफुल ऑफ द मेनी सेक्टर्स, और इसका जो रिस्टेंस पावर होता है बेटा वो भी बहुत होता है, ठीक है। तो उसके कारण आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक काम करेगा आपका, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी हम बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम्स के यूज़ करते हैं। तो इट्स एक्सट्रीम यूजफुल ऑफ द मेनी सेक्टर्स, इट इज़ अ ग्रेटर कंडक्टर ऑफ द हीट, ऊष्मा का हीट जो आप इसमें टेम्परेचर देते हैं जनरेट करते हैं उसमें भी अच्छा है। हाईली मेटेबल होता है, स्ट्रॉन्ग वेल एंड एलॉयड विद द अदर्स मेटल, और दूसरे मेटल्स का भी इसमें कहीं ना कहीं शेयरिंग होता है या ये उनसे मिल के बनेगा, ठीक है। सो एरोप्लेन्स आर द मेड बाय प्राइमरीली विद द एल्युमिनियम, जैसे एरोप्लेन्स होते हैं वो आपके एल्युमिनियम का यूज़ करके बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टर्स इज द लोकेटेड इन द उड़ीसा, अब देखिए एल्युमिनियम को गलाना, उसको पिघलाना, स्मेल्ट करना, इसके लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर है, देन वेस्ट बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, सो देयर इज रिलेटेड टू द एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। नाउ वी हैव डिस्कस अदर सम इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो रासायनिक आप केमिस्ट्री में देखते हैं रसायन जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उनसे रिलेटेड। सो द केमिकल इंडस्ट्रीज इन द इंडिया आर द फास्ट ग्रोइंग बोथ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, साइंस में आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, और केमिकल्स रिएक्शंस और केमिकल्स वहाँ पर आप देखते हैं, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत बन रही है और ये फास्ट ग्रोइंग है, बिकॉज दैट इज़ द प्रेजेंट टाइम इज द साइंटिफिक टाइम। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इन इट इंक्लूड द सल्फ्यूरिक एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं साइंस में, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज विच आर यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, वो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा उर्वरक, जब आप एग्रीकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर में आप कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, सिंथेटिक्स फाइबर्स, प्लास्टिक्स, ठीक है, सिंथेटिक्स फाइबर्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं पर बनेगी, किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज में। एंड नाइट्रिक एसिड एकाइल इंडस्ट्रीज द ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग द पेट्रोकेमिकल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्लास्टिक, pharmaceuticals and the synthetic fibers, organic chemicals industries is located near oil refineries, or जितनी भी oil refineries होती है, oil refineries होती है जहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है अर्थ से, ठीक है, जैसे आप बीकानेर में चले, बाड़मेर में चले जाते हैं, वहाँ पर हमारे राजस्थान में है, ठीक है, तो उनके पास ही कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्रीज भी सेटअप की जाती है। नाउ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो दस इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन्स एंड द फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है उस इंडस्ट्री पे ये डिपेंड होंगे फर्टिलाइजर्स। एंड आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री हैज़ एक्सपेंड द सर्वर पार्ट ऑफ द कंट्री, और जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया में भी बना और जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं जब उसमें इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जब इम्पोर्टेंस दिया गया तो इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ में नई नई कंपनीज, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुए, तो उसको भी उस टाइम में एक इनिशिएटिव मिला और गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस, ठीक है। नाउ सीमेंट इंडस्ट्री, दैट इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, हैज़ द सीमेंट इज़ द इनिशियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आप सब जानते हैं बेटा कि अगर आपको अपना घर कंस्ट्रक्ट कराना है, हाउस कराना है, कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम सीमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन द चेन्नई, इंडिया में पहला सीमेंट का जो कारखाना बना था सेटअप इन द चेन्नई, करंटली द गुजरात इज द नंबर ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री विच एनेबल्स एक्सपोर्ट टू द गल्फ कंट्रीज, गल्फ जो खाड़ी देश है, ठीक है, जैसे ईरान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इधर वाली जो कंट्रीज है हम वहाँ पे भी हमारी सीमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, जाती है, और इन प्रेजेंटली गुजरात में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्रीज सेटअप है। नाउ लास्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशंस, आपको यातायात के साधन प्रोवाइड कराएंगे लाइक द व्हीकल्स, ठीक है, जो भी हम देखते हैं नए नए व्हीकल्स जो अभी आते हैं बेटा रोड में, इंडस्ट्री लोकेटेड अराउंड द दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, लखनऊ एंड हैदराबाद। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, दिस इंडस्ट्री कवर्स द लार्ज रेंज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द टेलीविजन्स टू ट्रांजिस्टर्स,
अब देखिए टेलीविजन से लेकर ट्रांजिस्टर तक, यू नो, इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि जो यू नो इक्विपमेंट बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। एंड द बेंगलोर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यू नो आप जानते हैं एक आईटी हब है बेंगलोर और एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है आपके इंडिया का। सो अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। सो कोयम्बटूर, ये सारी यू नो जो भी सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे करते हैं बिकॉज यू नो द आईटी सेक्टर्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हमारे इंडिया में हैं, कैसे कैसे हम उनका यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द वॉट इज़ द प्लेस इन द वर्ल्ड रैंकिंग, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। सो वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑफ अबाउट दिस वीडियो। So thank you.